जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा वो मंच है जहां पे प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं होती हैं और इस वक्त हम वाराणसी के गंगा के किनारे मौजूद हैं। यहां पे सैलानी आए हैं काफ़ी घूमने के लिए, दूर दराज से लोग आए हैं यहां पे। क्योंकि बनारस मॉडल की बात की जाए तो विकास कार्यों को लेकर काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं, पूरे सुर्खियों में रहा है जो यहाँ पे वाराणसी। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, काफ़ी अच्छे खासे वोटों से यहाँ पे चुनाव जीते थे। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो घूमने आए हुए हैं, तो इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं आपसे। जी पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। जी आपका आईपा में स्वागत है। आपसे पहला सवाल, जैसे वाराणसी में क्या परिवर्तन आप देख रही हैं इस समय? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, हर चीज़ बदला है। यहाँ पे जो पहले यहाँ पे मिट्टी का खंडहर था वो काफ़ी हट गया है, गंदगी थी, अब पक्के घाट में बदल गए हैं। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जब चुनाव आते हैं, अब चूँकि नज़दीक का चुनाव 2022 का, हर पार्टियाँ कमर कस चुकी हैं, तमाम मुद्दे होंगे, भावनात्मक मुद्दे भी होंगे, स्थानीय मुद्दे भी होंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे, स्थानीय समस्याओं के नाम से भी यहाँ पे प्रत्याशी दरवाजे पे आएंगे। तो जो वोट पड़ते हैं ये स्थानीय मुद्दों के हिसाब से पड़ने चाहिए या भावनात्मक होने चाहिए? नहीं, दोनों मतलब रहने चाहिए, मतलब जो काम रहे वो भावनात्मक, सबको वो मुद्दे पर रख होना चाहिए, दोनों रहना चाहिए। लगभग बनारस में आप कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, क्या परिवर्तन देखिए पिछली सरकार की अपेक्षा और आज की सरकार की अपेक्षा, क्या परिवर्तन देख रही हैं यहाँ पे? जी हम तो जन्म से देख रहे हैं काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले कच्चे घाट रहते थे, मिट्टी हर जगह रहती थी, गंदगी रहते थे, अब काफ़ी मतलब पक्के घाट हो गए, वो हो गया बदलाव। महिलाओं की बात की जाए तो जैसे सुरक्षा की बात की जाए, महिलाओं को व्यापार में लाने की बात की जाए, स्किल इंडिया इन्होंने शुरुआत की है, तो इससे क्या धरातल पर कोई असर दिख रहा है? जो महिलाएं जो हैं अगर व्यापार के क्षेत्र में आना चाहें तो कुछ इनको अवसर मिल रहे हैं? हाँ काफ़ी मिल रहा है, काफ़ी औरतें रात तक मतलब काम अपना कर रही हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है, घाट पे भी लेडीज लोग घूम सकती हैं, रह सकती हैं, कोई ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। अब सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर जगह पुलिस का वो है सुरक्षा। क्या कहा जा सकता है कि भयमुक्त समाज मिल रहा है इस समय? ने क्या क्राइम ग्राफ कम हुए पहले से? बेधड़क हम लोग आज आते जाते हैं, कोई डर नहीं, जगह जगह पुलिस मतलब रहते हैं, उन लोग का वो है पुलिस थाना है, पुलिस मतलब खड़े भी रहते हैं, घाट और भी पुलिस आते हैं, देखते हैं, मतलब सुरक्षा है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा बनारसी अंदाज में आपसे बात कर रहा ऐसा रही बतावा। अच्छा अब आपसे पूछा था, हाँ देखा, इस सही आप जवाब दें। हाँ कितना परिवर्तन देखा था बनारस में? अरे भैया बहुत परिवर्तन होगा, अलग पहले तो कूड़ा कचवार बहुत गंदगी रहता है, अब तो बहुत परिवर्तन, अब तो अच्छा देख रही है, कितना लोग घूमने फिरने आए हैं, बच्चे लेके आए, पिकनिक मन रहा है, अब तो बहुत वो हो गया है परिवर्तन। अब लेडीज लोग को भी कमाने खाने का यहाँ धंधा कर दें मोदी जी, मतलब क्या समझे, दाल रोटी चले, दुकानों का आवंटन होना चाहिए, दुकानें बननी चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए। अभी आप देखिए कोई घर में रहने मांग नहीं रहा है, खर्चा है कि दोनों आदमी लेडीज और जेंट्स दोनों कमाए, तो लेडीज लोग का भी ख्याल रखें। रसोई में क्या दिक्कतें आ रही हैं, तेल महंगे हुए, इतना महंगाई आ गया भैया रसोई में, बताइए जरा, बहुत दिक्कत हो गया है, बताइए खाने पीने, दाल रोटी खाए भी तो कैसे खाए, है कि नहीं, दाल इतना महंगा, तेल इतना महंगा, बदल महंगाई पे बताइए क्या खाएगा आदमी, क्या करेगा, आप ही लोग बताइए, महंगाई अच्छा। पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, तो सब सब दम बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब जब देखिए बल्ले बल्ले हो जाएगा अगर महंगाई पे ध्यान दे दे योगी सरकार, मोदी सरकार जो है, हमारे साथ युवा वर्ग भी है, यंगस्टर है लोग जी। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद अली। वाह भाई मोहम्मद अली जी, आप पहले ये बताइए कि हम आपके पहले पहले बगल में पहले बैठ जाए थोड़ा सा बढ़िया से, क्योंकि हमारी भी हाइट लंबी है, तो बैठ जाए इतमान से बात हूँ। और भी सब लोग हमारे साथ देखिए पीछे सब लोग मौजूद हैं, आप लोग आए घूमने के लिए, गंगा किनारे घूमने आए, गंगा किनारे मेरा गांव रे, बड़ा सुर्खियों में गाना था गंगा, देखे लोग घूमने आए हैं सब लोग। हाँ देखिए अभी अम्मा ने बोला ये काशी नगरिया देख बबुआ, अब यहाँ पे बबुआ आप अभी बतावल जा यार घुमाइए भाई, हमारे कैमरा मैन साहब जो इधर है, आइए इधर जरा धीरे धीरे कैमरा लेके आइए, विजुअल फटे ना। अच्छा अली जी आप एक चीज़ बताइए, क्या परिवर्तन देख रहे हैं बनारस में आप? देखिए सरकार ने जो कहा था कि बनारस को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, उसको देखते हुए सरकार ने कई चीज़ों को काम ऐसा किया है कि हमको लग रहा है हाँ बनेगा, क्योंकि जो चीज़ अगर कहा जाता है उस पर अगर काम धीरे धीरे हो रहा है
इसका मतलब कुछ ना कुछ आगे होगा, मगर ये सरकार का बैलेंस नहीं बना हुआ है। बैलेंस का मतलब कि इस तरह महंगाई बढ़ रही है, इस तरह विकास हो रहा है, इसको बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं। अगर विकास हो, क्या क्या सलाह देना चाहते हैं मौजूदा सरकार को, किस तरीके की सलाह देना चाहिए, क्या एक युवाओं का क्या दर्द है, क्या सलाह देंगे आप? युवाओं का यही दर्द होगा कि नौकरी मिले, पहले सबसे पहले यही दर्द होगा। और जो जो बैलेंस एक होता है ना, बैलेंस बनाने की कोशिश की जाए। अच्छा, जो देखिए विकास से गरीबों को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, तो अगर गरीबी दूर करना है तो पहले महंगाई कम करनी चाहिए और रोज़गार अधिक से अधिक लोगों को देना चाहिए सबसे पहले। अगर बात की जाए जैसे शिक्षा की क्षेत्र की बात की जाए, युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग शिक्षा में कितना सुधार देख रहे हैं पहले की अपेक्षा, आपकी अपेक्षा जो है, क्या अंतर कुछ समझ में आ रहा है आप? अंतर हम लोग को यही समझ में आ रहा है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया है, ये तो है। हाँ, वैसे देखिए शिक्षा एक ऐसा मात्र है जिसको अगर हासिल कर लिया जाए तो वो देश को भी बदल सकता है और देश को मतलब एक लाइफ बना सकता है। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है ये बात। तमाम बड़े बुजुर्ग हैं आपके परिवार में, अल्पसंख्यक की बात की जाए अगर, मदरसे से लेकर एजुकेशन की बात की जाए हर जगह, तो अगर आपसे पूछा यह जाए कि पिछली की सरकारों में, अब की सरकारों में कुछ उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो क्या आपने देखे हैं, क्या आप सलाह देंगे? देखिए जिंदगी जब आगे प्रगति करती है तो सबको बदलना पड़ता है, सबको मतलब समझ रहे हैं, जनरेशन आज की जो जौन हिसाब से चल रही है, पहले मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल आ गया, अब इसमें साइंटिस्ट की प्रगति हुई है, उसमें प्रगति हुई है, वैसे ही सरकार जो नई नई आती रहती है तो अदर कंट्री को देखते हुए उसको करना पड़ता है, करेगी क्यों नहीं करेगी, जब उसको टिकना है, रहना है, स्थाई बनाना है अपने आप को, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। थोड़ा सा मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, पहले आप अपना नाम बताइएगा। जी ब्रजेश जी, आप रहने वाले मुल्ता कहाँ के हैं? जौनपुर। आप यहाँ पे आए घूमने के लिए, क्या परिवर्तन देख रहे हैं बनारस में? परिवर्तन तो है, परिवर्तन है, जहाँ जहाँ परिवर्तन है वहाँ वहाँ, लेकिन अभी भी काफ़ी पीछे। हर तरह से जाम समस्या, सबसे बड़ी बनारस की समस्या जाम, दूसरी समस्या सफाई है। ठीक है, आप ऐसे प्लेस में बैठे जहाँ पर वर्क हो रहा है, यहाँ पर आप इंटरव्यू, जहाँ वर्क नहीं हो रहा वहाँ जाके देखिए। नहीं, प्राचीन नगरी है, गलियों का शहर है, गलियों का शहर है बनारस, काफ़ी कंजेस्टेड है, बहुत पुराना प्राचीन शहर है, अम्बे अम्बा मालिका के समय से मिलता है यहाँ पे, ऋषि पितामह के समय से। अभी आप चौका घाट से लेके गोदवलिया तक आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कितना जाम है, क्या है। अच्छा, अगर शिक्षा की बातें की जाए, आप शिक्षा के मतलब जहाँ पे 18% GST है वहाँ शिक्षा की बात आप क्या करेंगे? GST से क्या एजुकेशन पे, जहाँ पे एजुकेशन पे 18% GST जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पर आप शिक्षा की बात क्या करेंगे? क्या सलाह देंगे सरकार को, मौजूदा सरकार को GST पे? ये बताइए, ये जो हो रहा है इससे GST चल पाएगी? ये जो विकास हो रहा है इससे GST चल पाएगी? विकास तो होगा जब हमारे हॉस्पिटल में हम जाएंगे, निःशुल्क हमारा इलाज होगा, हमारे बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, एक अच्छा एजुकेशन पाएंगे। तो सरकार एफर्ट कैसे करेगी जब निःशुल्क ही सब कुछ होगा, कैसे सरकार करेगी एफर्ट? भाई वही तो हम कह रहे हैं, तो रोजगार के मुद्दे, रोजगार तो अभी तो आप मेरे साथी से आए नहीं, आप जब रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे, और इंसान को क्या चाहिए? इंसान को आपको क्या चाहिए? एक अच्छा रोजगार इंसान को मिल जाए, एक अच्छी सड़क मिल जाए, और एक स्वास्थ्य मिल जाए, और शिक्षा मिल जाए, इसके अलावा इंसान को नहीं चाहिए। ये तो आदमी महीने 15 दिन की बात है, जिस प्लेटफॉर्म पर हमको रोड चलना है उस प्लेटफॉर्म की बात की। अगर यहाँ पे एक चीज़ और बात की जाए, क्योंकि अब जैसे वोटिंग जो होती है वो भावनात्मक मुद्दे पे वोटिंग होती है जी, ये करते हैं, या फिर देश की विडंबना है कि आज तक जो भी वोटिंग होती है जातिवाद और समाजवाद इसके ऊपर होती है, एजुकेशन और विकास के नाम पर किया जाए तो शायद देश का विकास बदल सकता है। युवा वर्ग क्या चाहता है? युवा वर्ग एजुकेशन चाहता है, जॉब चाहता है, क्योंकि दोनों नहीं मिल रहा है। सुरक्षा की बात और ही बात करना चाहेंगे, देखें कितना जवाब देते हैं लोग, नपातला जवाब देते हैं, कैसे अपना नाम बता दीजिएगा जी। पवन जी, अगर बात की जाए, अभी इस तरफ आइए, चूँकि एंट्री लाइट अभी आएगी, आप सामने हमारे साथ हो जाइएगा। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम काशी के। काशी के, अच्छा, काशी में कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं? बहुत परिवर्तन है, 17 साल में कुछ नहीं हुआ, हमारे योगी मोदी ने बहुत किया है। जो बोल रहे हैं वो विपक्ष वाले उनको खाई दहला रहे हैं, पर हमारे मोदी। व्यापार की बात की जाए, व्यापार के क्षेत्र में कितना सुधार आपको नजर आता है, अपराधीकरण में कितना, क्योंकि पूर्वांचल जो है ये हब है वाराणसी, क्राइम ग्राफ यहाँ पे काफी है, तो कितना अंतर आप देख रहे हैं? पहले से बहुत कम हो गया है,
इतना माफिया हो रहा है, मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, सब माफिया सब ध्वस्त हो रहे हैं। तब तो अपराध कम है पहले की अपेक्षा। अब जब विकास होगा तो आज जाम वाली जो बोले हमारे भैया कि जाम है ये है, जब विकास होगा तो जाम तो होने होना है। अच्छा, बदलाव देख रहे हैं बनारस में आप, तो शिक्षा की अगर बात की जाए यहाँ पे, एजुकेशन, तो एजुकेशन के क्षेत्र में कितना परिवर्तन है और क्या आप मशवरा देंगे एजुकेशन के लिए? सब चीज़ है भैया, सब चीज़, शिक्षा भी है, सुरक्षा भी है, सब चीज़ है। कोई चीज़ में मोदी योगी में कमी नहीं है, कोई पार्टी वाले वाला चक्कर नहीं। हमारे योगी मोदी ने बहुत विकास किया और शिक्षा के लिहाज से बहुत कुछ हो रहा है।